हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। और ये प्रोडक्ट हमें आया है चाइना से। चाइना की एक वेबसाइट है banggood.com, वहाँ से हमने इसको ऑर्डर किया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो दोस्तों, ये है MX3 4K टीवी बॉक्स। इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, 4K टीवी और 8X चिप, लैन केबल है इसमें, वाईफाई सपोर्ट करता है, कोडी मीडिया सेंटर है, एंड्रॉइड इसका OS है। और यहाँ पे लिखा गया है स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स फॉर होम एंटरटेनमेंट। इसके अलावा इस साइड में कोडी मीडिया सेंटर, यहाँ लिखा गया है 4K। और यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है जिससे जाकर आप इसका YouTube पे एक और रिव्यू या कुछ एक वीडियो देख सकते हैं। ये मेड इन चाइना से है, इसको हमने चाइना से ऑर्डर किया था ऑलमोस्ट 3800 रुपए में। चलिए देखते हैं इसमें। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें मिलता है मेन कंटेंट, एंड्रॉइड बॉक्स। देख सकते हैं आप, यहाँ पर है इसका ये ऑन ऑफ स्विच। और पीछे की तरफ हमें मिलता है एक ये पावर, के लिए यहाँ पे हमें इसका ये अडैप्टर लगाना है। और इनमें होता है ऑडियो वीडियो AV आउटपुट, लैन केबल के लिए एक जैक दिया गया है, HDMI पोर्ट और SPDIF पोर्ट जो कि डिजिटल ऑडियो के लिए होता है। इस साइड हमें कुछ नहीं मिलता। इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ मिलते हैं दो USB पोर्ट। उसके अलावा है कि यहाँ पे OTG, अगर आप चाहें तो इसमें OTG केबल के थ्रू अपने पेन ड्राइव अलग से अटैच कर सकते हैं। यह है कार्ड रीडर, यहाँ पर आप अपना कार्ड लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड ये रीड कर सकता है। इसके अलावा और देखते हैं क्या है बॉक्स में। एक हमें मिलता है कि अडैप्टर इसको पावर देने के लिए, देख सकते हैं कुछ डिटेलिंग यहाँ पे लिखी गई है, स्विच पावर सप्लाई, मॉडल नंबर, इनपुट 100 से 240 वॉट, AC, आउटपुट जो है इसमें 5 वॉट का है, मेड इन चाइना यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा हमें इसमें मिलता है ये OTG केबल, आप चाहे तो अपनी पेन ड्राइव इसके थ्रू इसमें लगा सकते हैं। और इसमें हमें मिलती है ये HDMI केबल। देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ऑलमोस्ट 1 मीटर की है, ये वायर 1 मीटर से थोड़ी सी कम लग रही है। और एक ही हमें मिलता है इसमें इसका रिमोट। ये देख लीजिए, ये इसका रिमोट है। और इस रिमोट को एज ए माउस भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये माउस का ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, कुछ बटन्स दिए गए हैं, मीडिया कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और मोस्टली वेब के लिए ऐप अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, म्यूजिक के लिए। यहाँ पे इसमें नॉर्मल बैटरीज लगती हैं जो ऑलरेडी इसमें लगी हुई है।
से नीचे मिलता है। ये सेटअप गाइड है, कह सकते हैं इसको। आपको कैसे सेटअप करना है ये अपने टीवी के साथ, HDMI केबल को कनेक्ट करना है आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको पावर सोर्स में अडैप्टर के साथ इसको कनेक्ट करना है, और आप चाहे तो इसमें USB के थ्रू माउस अटैच कर सकते हैं, या अगर आप वायरलेस माउस अटैच लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्मली अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट यहाँ पे बताया गया है, आप चाहे तो इसमें वाईफाई के थ्रू इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ है इसमें, और हॉटस्पॉट भी आप इसको बना सकते हैं एक बार कनेक्ट करने के बाद। इसके अलावा हमें इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दोनों ही सेम चीज़ है, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं अलग। दोस्तों यह है एक एंड्रॉयड बॉक्स। अगर आपके पास पुराना कोई LED या LCD टीवी है और आप उसको स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उस टीवी को चेंज करके आपको नया टीवी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ एक ये बॉक्स खरीद सकते हैं। इसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं लिखी गई है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये कुछ स्टिकर की वजह से यहाँ पर ये हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें 16 GB इंटरनल मेमोरी है, 2 GB की रैम है, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 5.1 दिया गया है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर GPU है इसमें। और इसकी सारी डिटेल्स बाकी की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और वहीं पे एक लिंक भी दिया गया है, आप चाहे तो इसको वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।